आशिकी 3 एक अगली कड़ी है आशिकी 2 की। इसका प्रक्षेपण जल्द ही होगा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे वरुण धवन और आलिया भट्ट, और इसे निर्देश किया जाएगा मोहित सूरी द्वारा, और ये महेश भट्ट के अंतर्गत निर्मित फिल्म है। 2013 में आई श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की आशिकी 2 के बाद निर्देशक मोहित सूरी का काफी नाम हुआ, जिसके चलते उन्होंने फिल्म का सीक्वल बनाने का सोचा। इसकी संकल्पना वो 3 साल पहले से कर चुके थे, पर यह तय नहीं हो पा रहा था कि आने वाली इस अगली कड़ी में किसका चयन करना सही रहेगा। काफी सोचने के बाद निर्देशकों ने यह निर्णय लिया कि वरुण और आलिया इस फिल्म के लिए सही साबित होंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे तत्वों पर जो फिल्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जब आशिकी 2 की शूटिंग कर रहे थे तब ये अफवाह उड़ी थी कि फिल्म का एक तीसरा भाग भी बनाया जा रहा है, जिसमें वो चाहते थे कि मुख्य अभिनेता का किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाए और उनके विपरीत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को लिया जाए। लेकिन मोहित का इस बात पर कहना था कि सिद्धार्थ मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन मैंने कभी उसका फिल्म के तीसरे भाग के लिए चयन करने के बारे में नहीं सोचा, ना ही मैंने उस वक्त सिद्धार्थ से आने वाली इस तीसरे भाग के बारे में कोई चर्चा की थी। मोहित ने यह भी कहा कि ये मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात थी कि सिद्धार्थ ने इस बात की पुष्टि की एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आशिकी 3 में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं या नहीं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी कहानी का लेखन किया जा रहा है और हम सब तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है कि इस बारे में कब बताया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में ये अक्सर देखा जाता है कि किसी भी बड़े सितारे के पुत्र या पुत्री को किसी फिल्म में पात्र दिलाने के लिए दूसरे प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च किया जाता है। ऐसा बहुत से अभिनेताओं के साथ होता आया है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान चाहते थे कि उनका बेटा अयान इस फिल्म से अपना डेब्यू करे और उसे भट्ट प्रोडक्शन के द्वारा लोगों के सामने लाया जाए, लेकिन कुछ कारणवश उनका चयन नहीं किया गया। राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी इस फिल्म के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करना चाहते थे। वो 15 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने द्वारा निर्देश की फिल्म बनाई थी, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म चिल्ड्रन इवेंट पर भेजा था, जिसका शीर्षक था रिटर्न गिफ्ट। इस कार्य में उनकी सहायता की थी उनके साथियों ने। वीर बचपन से ही निर्देशन में काफी दिलचस्पी रखते थे और अब तक की उम्र में उन्होंने काफी फिल्में निर्देश की है। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक लॉन्च नहीं किए गए हैं, पर जल्द ही उनके द्वारा निर्देशित फिल्में देखने को मिलेंगी। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका का किरदार निभाने के लिए जब श्रद्धा कपूर ने कुछ कार्यवश मना कर दिया, तब ऐसा कहा जा रहा था कि श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर उनकी जगह ले सकती है, लेकिन कुछ कारणवश उनकी जगह आलिया भट्ट को लेने का फैसला किया गया। आलिया भट्ट एक अच्छी गायक हैं, जिस वजह से उनका इस फिल्म में होना ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि इस फिल्म की भी कहानी दो संगीतकार के जीवन को दर्शाएगी। फिल्म में पहले वरुण धवन की जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा या ऋतिक रोशन में से किसी एक का चयन किया जाने वाला था, लेकिन वरुण और आलिया आई पिछली फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री देखकर निर्देशकों ने यह निर्णय लिया कि वरुण और आलिया इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सही अभिनेता रहेंगे, क्योंकि लोग ज्यादातर उन्हें साथ में देखना पसंद करते हैं। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि आशिकी 3 में वरुण और आलिया की जोड़ी देखने को मिले? और क्या लगता है आपको, इन दोनों की जोड़ी इस फिल्म में क्या वो धमाल मचा पाएगी? क्योंकि ये एक रोमांटिक फिल्म है, इसमें कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है और वरुण धवन बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर हैं। अपने इनोसेंट से लुक और चुलबुली अदाओं की वजह से वो जल्द ही सबके चहेती बन गई।
फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद आलिया भट्ट को एक से एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर मिलते गए और हर फिल्म के साथ आलिया भट्ट ने अपनी काबिलियत साबित की। पहली फिल्म के बाद से ही आलिया भट्ट ने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया और अब वो बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है। काफी लोगों को यह बात पता नहीं है कि आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत बतौर ट्रायल एक्ट्रेस से की थी। सबको लगता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन वो साल 1999 में आई फिल्म संघर्ष में भी नजर आ चुकी हैं। फिर उसके बाद वो धर्मा प्रोडक्शन के फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम किया। साल 2020 और 21 में आलिया की कई फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि गंगूबाई काठियावाड़ी, ब्रह्मास्त्र, शुद्धि, आरआरआर और आशिकी 3 फिल्में भी वो नजर आने वाली। आशिकी 2 के लिए भी पहले आलिया भट्ट को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन तब वो हाईवे की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर को ले लिया गया था। लेकिन अपनी मेहनत से आलिया भट्ट ने आशिकी 3 में अपना नाम कर ही लिया है। अभी वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। फिल्म आशिकी 3 में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आई थी। उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। इससे पहले वो दोनों स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स में साथ नजर आए थे। साथ ही ये उनकी तीसरी फिल्म है। इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं आलिया भट्ट की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। अंबाला की एक लड़की काव्या, जिसकी शादी एक NRI से होने वाली होती है, वो अपनी शादी की खरीदारी करने से दिल्ली में अपने मामा के घर जाती है और वहाँ एक लड़का जिसका नाम हम्टी होता है उससे मिलती है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर काव्या अपने घर वापस चली आती है और हम्टी काव्या के लिए उसके घर जाता है ताकि वो उसके घर वाले से काव्या और उसकी शादी के बारे में बात कर सके। इस फिल्म में आलिया भट्ट और वरुण धवन काव्या और हम्टी के किरदार में नजर आए थे। यह धर्मा प्रोडक्शन के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और आलिया और वरुण की जोड़ी भी स्क्रीन पर हिट हो गई। बद्रीनाथ की दुल्हनिया। वरुण धवन और आलिया भट्ट के पिछले फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को अच्छी सफलता मिलने के बाद इन दोनों की जोड़ी को लोगों द्वारा काफी पसंद आने बाद धर्मा प्रोडक्शन ने एक बार फिर इन दोनों को साथ लाने का सोचा और उनके साथ बद्रीनाथ की दुल्हनिया बनाने का फैसला किया। पिछली फिल्म जैसे इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। इस फिल्म में आलिया भट्ट वैदेही के किरदार में नजर आए थे और वरुण धवन बद्रीनाथ नाम के लड़के के किरदार में नजर आए थे, जिसे वैदेही से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वैदेही शादी नहीं करना चाहती। वो अपने जीवन में कुछ करना होता है और उसे कुछ बनना होता है। वो शादी के ही दिन किसी को बिना बताए भाग जाती है और जब बद्री उसे वापस लेने जाता है तब उसे बद्री से प्यार हो जाता है। इस फिल्म को भी लोगों ने काफी पसंद किया और वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर जादू करती। हाईवे। यह फिल्म साल 2014 में आई थी और इस फिल्म में भी आलिया भट्ट ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की थी। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ नजर आई थी। यह कहानी एक लड़की वीरा की है जिसको उसकी शादी एक रात पहले कुछ गुंडे अपहरण करके ले जाते हैं। उसके बाद उसका मंगेतर भी होता है, लेकिन फिर वो गुंडे उसके मंगेतर को छोड़ देते हैं और उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। वीरा एक अमीर परिवार की पली बड़ी लड़की होती है जिसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब वो किडनैपर से किडनैप करके अलग अलग जगहों पर लेके जाता है तो उसके साथ रहते रहते उस लड़की को जिंदगी का सही मतलब समझ आ जाता है। राजी। ये भारतीय जासूस सहमत खान की बायोपिक पर आधारित फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट सहमत खान की भूमिका में नजर आई है। इस फिल्म में उनके साथ विक्की कौशल भी नजर आए हैं। वे सहमत खान के पति की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में सहमत खान रॉ की अंडरकवर ऑफिसर होती है जिसके पास उसके पिता एक पाकिस्तानी परिवार से शादी करवा देते हैं, जिससे वो वहां से भारत के लिए खुफिया जानकारी निकाल सके और अपने देश को दुश्मनी के चाल से बचा सके। डियर जिंदगी। यह फिल्म साल 2016 में आई थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शाहरुख खान मुख्य किरदार में थे। आलिया भट्ट एक 11 नाम की लड़की का किरदार में थी और शाहरुख खान एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका में थे। कियारा की निजी जिंदगी और कियारा में काफी उतार चढ़ाव के बाद उसे इंसोमनिया हो जाता है, जिससे इंसान को ठीक तरीके से नींद नहीं आ पाती और पूरी तरह से नहीं सो पाता। उसी की वजह से और कोई भी दिक्कत होने लगती है। इस बीमारी के इलाज के लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसका काफी अलग तरीके से इलाज करता है, उसे ठीक कर देता है। ये थे आलिया भट्ट की बॉलीवुड में कुछ बेस्ट फिल्म्स। काफी कम समय में आलिया भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। अभी उनके पास कई सारी फिल्मों के ऑफर है और बहुत सारी फिल्में स्क्रीन पर आने में को भी तैयार है। आशिकी फिल्म सीरीज की दोनों फिल्म काफी हिट साबित हुई है। अब देखते हैं इसके तीसरे भाग में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के जुड़ने से यह फिल्म क्या नया रिकॉर्ड बनाती है। इस फिल्म के लिए लोगों में काफी उत्साह है और सब अभी से ही इस फिल्म का इंतजार में है।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलीग्रड स्टूडियोज पर। मैं हूं गरिमा अरोड़ा और बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशिकी 3 आशिकी फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म होने जा रही है। फिल्म की दोनों कहानियों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त काम किया है और साथ ही अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के लिए भी काफी भाग्यशाली साबित हुई है। इन फिल्मों ने बॉलीवुड को सिजलिंग केमिस्ट्री और जबरदस्त लव सॉन्ग दिए हैं। दोनों ही फिल्मों की लोकप्रियता के बाद इनके गाने भी संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बना चुके हैं। दोनों फिल्मों के स्टार कास्ट से लेकर कहानी और संगीत तक सब कुछ प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक बन गया, जिसने कई रिकॉर्ड बनाए और मोहित सूरी का आशिकी 2 में शामिल होना फिल्म के लिए काफी अहम साबित हुआ। आशिकी 2 में अरिजीत सिंह के गानों ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया और आशिकी 2 ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में एक नया अध्याय लिख दिया। अगर हम आशिकी 2 की बात करें तो इस फिल्म ने स्टार कास्ट, डायरेक्टर व म्यूजिक को एक नया मुकाम दिया है जो कि सराहनीय है। आशिकी सीरीज की फिल्मों में अच्छी प्रेम कहानी, संगीत और गीतों की एक प्रतिष्ठा है। सुपरहिट ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 की वर्षगांठ पर इसकी सीक्वल आशिकी 3 की घोषणा की गई। फिल्म की इतनी सारी अफवाहों के बाद आखिरकार स्टार कास्ट का फैसला किया गया और आधिकारिक तौर पर यह फिल्म इस नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। स्क्रीन पर एक लोकप्रिय जोड़ी साबित होने के बाद आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आने वाली फिल्म आशिकी के साथ नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। आलिया भट्ट को पहले आशिकी 2 के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी तब तक की मूवी हाईवे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और वे आशिकी 3 का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आशिकी 2 और एक विलेन की सफलता के बाद मोहित सूरी एक प्रतिष्ठित स्तर पर पहुंच गए हैं और वे नई कहानी, रोमांटिक कहानी को पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म भट्ट कैंप द्वारा निर्मित की जाएगी। एक साक्षात्कार में आलिया भट्ट ने मीडिया को बताया है कि वह अपने पिता के साथ और आशिकी की सीरीज में काम करने के लिए कितनी उत्साहित है। आशिकी फिल्म के दोनों भाग के जैसे इस फिल्म में भी उम्मीद है कि इस कहानी में किसी गायक या प्रेम कहानी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक पूर्व साक्षात्कार में मोहित सूरी ने पुष्टि की है कि वे फिल्म की कहानी और संगीत पर काम कर रहे हैं। इस पुष्टि के साथ कुछ और बेहतरीन गीतों का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। सभी के दिल को छू लेने वाली गीत और मधुर आवाज जो सबको पसंद आएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के एक साथ और दिलफिक केमिस्ट्री और कहानी से प्यार करने के तैयार हो जाइए जो सभी को पसंद आने वाली है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पहले की फिल्मों के हिसाब से दर्शकों की अपेक्षाएं आने वाली फिल्म से अधिक होने की उम्मीद है। ट्रेलर और संगीत का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और ये जल्द ही आने वाली है और उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद भी आएगी। अगर हम आशिकी 3 से जुड़ी अफवाहों पर नजर डालें तो पहले कहा गया था कि आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर सकते हैं और ये भी अफवाह थी कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री हो सकती हैं। लेकिन बाद में ये बात साफ हो गई थी जब फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को होने की घोषणा की गई। ये भी अफवाह थी कि मोहित सूरी इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बाद में मुकेश भट्ट और खुद मोहित सूरी ने फिल्म की निर्देशक बनने की पुष्टि की। संगीत और कहानी आशिकी सीरीज की हमेशा मुख्य पहचान रही है। 90 के दशक में जब आशिकी को रिलीज किया गया था तब फिल्म के गीत ने म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और गायकों को एक नया मुकाम दिया था। जब इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाया तो इसकी वजह से फिल्म से जुड़े लोगों को करियर को काफी बढ़ावा मिला और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काफी असरदार साबित हुआ। अभिनेताओं, अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आशिकी 2 की सफलता के साथ फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब दर्शक और निर्माता पिछली फिल्मों की तुलना में और ज्यादा सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। कुमार सानू और श्रवण ने आशिकी में गायक और संगीतकार की जोड़ी के रूप में बहुत अच्छा काम किया है
और उन्हें इस फिल्म के बाद काफी ज्यादा सफलता भी मिली है। दूसरी फिल्म आशिकी 2 के साथ अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, मिथुन और जीत गांगुली भी एक बेहतरीन टीम बने और आशिकी 2 के लिए जबरदस्त काम किया और इस फिल्म के बाद एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच गए। संगीत रचनाकारों और गायकों की टीम बॉलीवुड उद्योग के लिए एक सौभाग्य साबित हुई है और शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ महादेवन भी अपने गीत के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। बाघ मिल्खा भाग फिल्म से जिंदा गाने के लोगों को काफी पसंद किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि आशिकी 3 में जबरदस्त संगीत और गाने के लिए सिद्धार्थ महादेवन टीम में शामिल हो सकते हैं। अभी देखना मजेदार होगा कि आने वाली फिल्म में क्या नयापन देखने को मिल सकता है। लोग इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं, प्यार देते हैं या नापसंद करते हैं, पिछले दो फिल्मों से अगर अंदाजा लगाया जाए तो दर्शकों को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद है। अब देखते हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा लोगों को कितना अपना बना पाते हैं और बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में क्या नयापन रहता है। तुम ही हो गाने के सुपरहिट होने के बाद नए गाने लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं। हमारे चैनल पर पाइए बॉलीवुड की हर नई जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। लव स्टोरीज पसंद है? लव स्टोरी कितनी तरह की हो सकती हैं? पहले की लव स्टोरी और अब की लव स्टोरी में क्या बदलाव आए हैं? अब की जनरेशन की लव स्टोरी को देखने में क्या नया मिलेगा? आज की फिल्म के सीरीज से लोगों की क्या उम्मीदें हो सकती हैं? आज की 3 में कौन कौन नजर आ सकता है? यह फिल्म कब रिलीज होगी? फिल्म के तीसरे भाग में किस तरह की कहानी देखने को मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में प्रेम कहानी की एक अलग ही पहचान है। सारी फिल्मों से हटकर लव स्टोरीज का एक अच्छा स्तर है जो दूसरे फिल्मों से अलग और बेहतर है। दुनिया में ज्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो प्रेम कहानियों को देखना पसंद करते हैं। प्यार, जुदाई, भावना, लगाव, झगड़े, मिलना, बिछड़ना, रोमांस, लव सॉन्ग्स, लोग हर प्रेम कहानी के हर पहलू को देखना पसंद करते हैं। प्रेम कहानी भी एक तरह की होती है तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए प्रेम कहानी को भी नए तरीके से बताना बहुत जरूरी है। हर बार लोग प्रेम कहानी में कुछ नया और कुछ अलग देखना चाहते हैं। नए किरदार, नई कहानी, नए ट्विस्ट। पहले प्रेम कहानियों में बस एक लड़का लड़की की कहानी होती थी जो एक दूसरे से मिलते थे, प्यार हो जाता था, अंत में वो मिल जाते थे या बिछड़ जाते थे। लेकिन अब की लव स्टोरी में एक साथ कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अब की लव स्टोरी हर उम्र के लोगों और हर तरीके की कहानियां बताती है जो कि पुराने समय के हिसाब से काफी बदलाव आया है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जो कि एक लड़का और लड़की के प्रेम कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम था आशिकी, जिसमें अभिनेता राहुल राय और अभिनेत्री अनु अग्रवाल को देखा गया था। इस फिल्म की अभिनेता एक अनाथ लड़की होती है और अभिनेता एक अच्छे परिवार से होता है लेकिन अपने पिता से नाराज होता है। जब वो घर छोड़कर जाता है तब उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। आगे की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर वो दोनों अपने करियर में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लड़का गायक बन जाता है और लड़की एक सफल हीरोइन बन जाती है। अंत में वो दोनों एक साथ होते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की कहानी, किरदार, गाने, मिलना बिछड़ना, प्यार, लड़ाई, नाराजगी, संघर्ष, दर्द, जुदाई, हर पहलू को अच्छे से दिखाती है जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। और उस समय यह फिल्म कहानी और गानों की वजह से इतनी हिट हुई थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसी फिल्म के हिट होने के काफी समय बाद उसका सीक्वल आया आशिकी 2, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर देखने को मिले थे। यह फिल्म भी एक प्रेम कहानी होती है एक गायक की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो लड़की भी गायिका बनना चाहती है।
और बहुत अच्छा गाती है। वह लड़का उस लड़की के लिए बहुत मेहनत करता है, उसे ट्रेन करता है और उसे अच्छे मुकाम पर पहुंचा देता है। लड़की बहुत बड़ी गायिका बन जाती है और लड़का धीरे धीरे नशे की लत में चला जाता है और अपना काम छोड़ देता है। लड़की की पहचान वक्त होने के साथ साथ कम होने लगती है और उसे कोई काम भी नहीं मिल पाता। इस दौरान लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। जब वो उसकी ऐसी हालत देखती है तब वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। और जब वो लड़का देखता है कि उसके इस नशे की लत से उस लड़की पर और उसके प्यार पर प्रभाव पड़ रहा है तब वह उस लड़की को बिना बताए आत्महत्या करने की ठान लेता है। आज की फिल्म के पहले और दूसरे भाग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लोगों को इस फिल्म के गाने और जोड़ी ने काफी प्रभावित किया, इसलिए आज भी लोगों के मन में इस फिल्म के तीसरे भाग की उम्मीद है और जल्द ही उन्हें ये फिल्म देखने को मिलेगी। इस फिल्म के तीसरे भाग आशिकी 3 के आने का ऐलान किया जा चुका है। इस फिल्म के नाम से तो ये बताना मुश्किल होगा कि फिल्म की प्रेम कहानी किस पर आधारित होने वाली है। इस फिल्म में स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स में साथ नजर आ चुके सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की जोड़ी होने की उम्मीद की जा रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री ही काफी अच्छी है और दोनों ने डेब्यू भी साथ ही किया था। लेकिन दोस्तों, ये प्रेम कहानी कैसी होने वाली है ये बताना भी मुश्किल है। इस फिल्म के पहले भाग में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी और दूसरे भाग में एक ट्रेजेडी दिखाई गई थी। तो दोस्तों, अब यह देखना होगा कि फिल्म किस तरीके की नई लव स्टोरी हमारे सामने लेकर आती है। इन दोनों फिल्मों के गाने और संगीत पर काफी फोकस किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का भी संगीत काफी अच्छा हो सकता है, जिसके लिए म्यूजिक कंपोजर और गायक की पुष्टि हो चुकी है। अभी फिल्म से जुड़ी दूसरी जानकारी से पर्दा उठना बाकी है। इस फिल्म के रिलीज होने का ऐलान जल्द ही हो सकता है। ये फिल्म जल्द ही लोगों को देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप आशिकी 3 में वापस श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर को देखना चाहते हैं या आप सिद्धार्थ और आलिया भट्ट की जोड़ी को एक चांस देना चाहेंगे। मिलते हैं जल्दी बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं गरिमा अरोड़ा और बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशिकी 3 आशिकी फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म होने जा रही है। फिल्म की दोनों कहानियों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त काम किया है और साथ ही अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के लिए भी काफी भाग्यशाली साबित हुई है। इन फिल्मों ने बॉलीवुड को सिजलिंग केमिस्ट्री और जबरदस्त लव सॉन्ग्स दिए हैं। दोनों ही फिल्मों की लोकप्रियता के बाद इनके गाने भी संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बना चुके हैं। दोनों फिल्मों के स्टार कास्ट से लेकर कहानी और संगीत तक सब कुछ प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक बन गया, जिसने कई रिकॉर्ड बनाए और मोहित सूरी का आशिकी 2 में शामिल होना फिल्म के लिए काफी अहम साबित हुआ। आशिकी 2 में अरिजीत सिंह के गानों ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया और आशिकी 2 ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में एक नया अध्याय लिख दिया। अगर हम आशिकी 2 की बात करें तो इस फिल्म ने सारकास्ट, डायरेक्टर व म्यूजिक को एक नया मुकाम दिया है जो कि सराहनीय है। आशिकी सीरीज की फिल्मों में अच्छी प्रेम कहानी, संगीत और गीतों की एक प्रतिष्ठा है। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 की वर्षगांठ पर इसकी सीक्वल आशिकी 3 की घोषणा की गई। फिल्म की इतनी सारी अफवाहों के बाद आखिरकार स्टारकास्ट का फैसला किया गया और आधिकारिक तौर पर यह फिल्म इस नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। स्क्रीन पर एक लोकप्रिय जोड़ी साबित होने के बाद आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आने वाली फिल्म आशिकी के साथ नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। आलिया भट्ट को पहले आशिकी 2 के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी तब तक की मूवी हाईवे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और वे आशिकी 3 का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। आशिकी 2 और एक विलेन की सफलता के बाद मोहित सूरी एक प्रतिष्ठित स्तर पर पहुंच गए हैं और वे नई कहानी
रोमांटिक कहानी को पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म बट कैप द्वारा निर्मित की जाएगी। एक साक्षात्कार में आलिया भट्ट ने मीडिया को बताया है कि वह अपने पिता के साथ और आशिकी की सीरीज में काम करने के लिए कितनी उत्साहित है। आशिकी फिल्म के दोनों भाग के जैसे इस फिल्म में भी उम्मीद है कि इस कहानी में किसी गायक या प्रेम कहानी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक पूर्व साक्षात्कार में मोहित सूरी ने पुष्टि की है कि वह फिल्म की कहानी और संगीत पर काम कर रहे हैं। इस पुष्टि के साथ कुछ और बेहतरीन गीतों का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। सभी के दिल को छू लेने वाली गीत और मधुर आवाज जो सबको पसंद आएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के एक साथ और दिलफिक केमिस्ट्री और कहानी से प्यार करने के तैयार हो जाइए, जो सभी को पसंद आने वाली है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पहले की फिल्मों के हिसाब से दर्शकों की अपेक्षाएं आने वाली फिल्म से अधिक होने की उम्मीद है। ट्रेलर और संगीत का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और ये जल्द ही आने वाली है और उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद भी आएगी। अगर हम आशिकी 3 से जुड़ी अफवाहों पर नजर डालें तो पहले कहा गया था कि आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर सकते हैं। और ये भी अफवाह थी कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री हो सकती हैं। लेकिन बाद में ये बात साफ हो गई थी जब फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को होने की घोषणा की गई। ये भी अफवाह थी कि मोहित सूरी इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बाद में मुकेश भट्ट और खुद मोहित सूरी ने फिल्म की निर्देशक बनने की पुष्टि की। संगीत और कहानी आशिकी सीरीज की हमेशा मुख्य पहचान रही है। 90 के दशक में जब आशिकी को रिलीज किया गया था तब फिल्म के गीत ने म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और गायकों को एक नया मुकाम दिया था। जब इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाया तो इसकी वजह से फिल्म से जुड़े लोगों को करियर को काफी बढ़ावा मिला और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काफी असरदार साबित हुआ। अभिनेताओं, अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आशिकी 2 की सफलता के साथ फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब दर्शक और निर्माता पिछली फिल्मों की तुलना में और ज्यादा सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। कुमार सानू और श्रवण ने आशिकी में गायक और संगीतकार की जोड़ी के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें इस फिल्म के बाद काफी ज्यादा सफलता भी मिली है। दूसरी फिल्म आशिकी 2 के साथ अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, मिथुन और जीत गांगुली भी एक बेहतरीन टीम बने और आशिकी 2 के लिए जबरदस्त काम किया और इस फिल्म के बाद एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच गए। संगीत रचनाकारों और गायकों की टीम बॉलीवुड उद्योग के लिए एक सौभाग्य साबित हुई है और शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ महादेवन भी अपने गीत के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। बाघ मिल्खा भाग फिल्म से जिंदा गाने के लोगों को काफी पसंद किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि आशिकी 3 में जबरदस्त संगीत और गाने के लिए सिद्धार्थ महादेवन टीम में शामिल हो सकते हैं। अभी देखना मजेदार होगा कि आने वाली फिल्म में क्या नयापन देखने को मिल सकता है। लोग इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं, प्यार देते हैं या नापसंद करते हैं, पिछले 2 फिल्मों से अगर अंदाजा लगाया जाए तो दर्शकों को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद है। अब देखते हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा लोगों को कितना अपना बना पाते हैं और बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में क्या नयापन रहता है। तुम ही हो गाने के सुपर हिट होने के बाद नए गाने लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं। हमारे चैनल पर पाइए बॉलीवुड की हर नई जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा अरोड़ा और बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशिकी 3 आशिकी फिल्म सीरीज की तीसरी फिल्म होने जा रही है। फिल्म की दोनों कहानियों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त काम किया है और साथ ही अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के लिए भी काफी भाग्यशाली साबित हुई है। इन फिल्मों ने बॉलीवुड को सिज़लिंग केमिस्ट्री और जबरदस्त लव सॉन्ग्स दिए हैं। दोनों ही फिल्मों की लोकप्रियता के बाद इनके गाने भी संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बना चुके हैं। दोनों फिल्मों के स्टार कास्ट से लेकर कहानी और संगीत तक सब कुछ प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग प्रभावशाली रहा है और दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म बन गई है। आशिकी का पहला भाग बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक बन गया, जिसने कई रिकॉर्ड बनाए और मोहित सूरी का आशिकी 2 में शामिल होना फिल्म के लिए काफी अहम साबित हुआ। आशिकी 2 में अरिजीत सिंह के गानों ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया और आशिकी 2 ने बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में एक नया अध्याय लिख दिया। अगर हम आशिकी 2 की बात करें तो इस फिल्म ने स्टारकास्ट, डायरेक्टर व म्यूजिक को एक नया मुकाम दिया है जो कि सराहनीय है। आशिकी सीरीज की फिल्मों में अच्छी प्रेम कहानी, संगीत और गीतों की एक प्रतिष्ठा है।
सुपर हिट ब्लॉकबस्टर आशिकी 2 की वर्षगांठ पर इसकी सीक्वल आशिकी 3 की घोषणा की गई। फिल्म की इतनी सारी अफवाहों के बाद आखिरकार स्टार कास्ट का फैसला किया गया और आधिकारिक तौर पर यह फिल्म इस नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। स्क्रीन पर एक लोकप्रिय जोड़ी साबित होने के बाद आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने आने वाली फिल्म आशिकी के साथ नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं। आलिया भट्ट को पहले आशिकी 2 के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी तब तक की मूवी हाईवे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और वे आशिकी 3 का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आशिकी 2 और एक विलेन की सफलता के बाद मोहित सूरी एक प्रतिष्ठित स्तर पर पहुँच गए हैं और वे नई कहानी रोमांटिक कहानी को पर्दे पर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म भट्ट कैंप द्वारा निर्मित की जाएगी। एक साक्षात्कार में आलिया भट्ट ने मीडिया को बताया है कि वह अपने पिता के साथ और आशिकी की सीरीज में काम करने के लिए कितनी उत्साहित है। आशिकी फिल्म के दोनों भाग के जैसे इस फिल्म में भी उम्मीद है कि इस कहानी में किसी गायक या प्रेम कहानी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक पूर्व साक्षात्कार में मोहित सूरी ने पुष्टि की है कि वह फिल्म की कहानी और संगीत पर काम कर रहे हैं। इस पुष्टि के साथ कुछ और बेहतरीन गीतों का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। सभी के दिल को छू लेने वाली गीत और मधुर आवाज जो सबको पसंद आएगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के एक साथ और दिलफिक केमिस्ट्री और कहानी से प्यार करने के तैयार हो जाइए जो सभी को पसंद आने वाली है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पहले की फिल्मों के हिसाब से दर्शकों की अपेक्षा इस आने वाली फिल्म से अधिक होने की उम्मीद है। ट्रेलर और संगीत का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और ये जल्द ही आने वाली है और उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद भी आएगी। अगर हम आशिकी 3 से जुड़ी अफवाहों पर नजर डालें तो पहले कहा गया था कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर सकते हैं और ये भी अफवाह थी कि श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर इस फिल्म में प्रमुख अभिनेत्री हो सकती हैं। लेकिन बाद में ये बात साफ हो गई थी जब फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा को होने की घोषणा की गई। ये भी अफवाह थी कि मोहित सूरी इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन बाद में मुकेश भट्ट और खुद मोहित सूरी ने फिल्म की निर्देशक बनने की पुष्टि की। संगीत और कहानी आशिकी सीरीज की हमेशा मुख्य पहचान रही है। 90 के दशक में जब आशिकी को रिलीज किया गया था तब फिल्म के गीत ने म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और गायकों को एक नया मुकाम दिया था। जब इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाया तो इसकी वजह से फिल्म से जुड़े लोगों को करियर को काफी बढ़ावा मिला और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने में काफी असरदार साबित हुआ। अभिनेताओं, अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आशिकी 2 की सफलता के साथ फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब दर्शक और निर्माता पिछली फिल्मों की तुलना में और ज्यादा सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। कुमार सानू और श्रवण ने आशिकी में गायक और संगीतकार की जोड़ी के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें इस फिल्म के बाद काफी ज्यादा सफलता भी मिली है। दूसरी फिल्म आशिकी 2 के साथ अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, मिथुन और जीत गांगुली भी एक बेहतरीन टीम बने और आशिकी 2 के लिए जबरदस्त काम किया और इस फिल्म के बाद एक बेहतरीन स्तर पर पहुंच गए। संगीत रचनाकारों और गायकों की टीम बॉलीवुड उद्योग के लिए एक सौभाग्य साबित हुई है और शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ महादेवन भी अपने गीत के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। बाघ मिल्खा भाग फिल्म से जिंदा गाने के लोगों को काफी पसंद किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि आशिकी 3 में जबरदस्त संगीत और गाने के लिए सिद्धार्थ महादेवन टीम में शामिल हो सकते हैं। अभी देखना मजेदार होगा कि आने वाली फिल्म में क्या नयापन देखने को मिल सकता है। लोग इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं, प्यार देते हैं या नापसंद करते हैं, पिछले 2 फिल्मों से अगर अंदाजा लगाया जाए तो दर्शकों को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद है। अब देखते हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा लोगों को कितना अपना बना पाते हैं और बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में क्या नयापन रहता है। तुम ही हो गाने के सुपर हिट होने के बाद नए गाने लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं। हमारे चैनल पर पाइए बॉलीवुड की हर नई जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्क्रिप्ट लिखी है आद्या ठाकुर ने।
लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में कौन कौन नजर आएंगे, ये फिल्म कब तक रिलीज होगी, ये फिल्म किसके बारे में होगी, क्या यह भी एक लव स्टोरी होगी, लव स्टोरी फिल्म्स में मोहित सूरी क्या नया बदलाव लेकर आएंगे, ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आशिकी 2 एक विलन, हमारी अधूरी कहानी, हाफ गर्लफ्रेंड और मलंग जैसे फिल्मों का निर्देशन करने के बाद निर्देशक मोहित सूरी बॉलीवुड के सबसे अच्छे निर्देशकों में से एक बन गए। उन्होंने फिल्म निर्देशन में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में जहर फिल्म से की थी, जो कि उस समय अच्छी साबित हुई थी। फिर उन्होंने फिल्म कलियुग का निर्देशन किया और फिर वो लम्हे, इन फिल्मों के बाद उनकी एक से एक बेहतरीन फिल्म देखने को मिली, जो कि ज्यादातर लव स्टोरी से जुड़ी होती थी। अपनी इस कला के साथ एक बार फिर से वो एक नई लव स्टोरी पर आधारित फिल्म लेकर स्क्रीन पर आने वाले हैं। यह फिल्म आशिकी सीरीज की तीसरी फिल्म है। आशिकी 3 इससे पहले इस नाम की दो फिल्में और आ चुकी हैं, आशिकी और आशिकी 2। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और लोगों को काफी पसंद भी आई, इसलिए इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का तीसरा भाग को बनाने की फैसला किया है। यह फिल्म भी पिछले दो फिल्मों के जैसे लव स्टोरी पर ही आधारित होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट और सिद्धांत मल्होत्रा एक कपल के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में उनकी प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। मोहित सूरी ने इससे पहले कई फिल्मों का निर्देशन किया है और हर फिल्म से उन्होंने निर्देशन में अपना अच्छा नाम किया है। उनकी आने वाली फिल्म आशिकी 3 के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं उनके द्वारा निर्देशित की गई कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में जो लव स्टोरी पर आधारित है। हमारी अधूरी कहानी, यह फिल्म एक शादीशुदा औरत के बारे में है जिसका नाम वसुधा है और उसका पति का नाम हरि होता है। उसका पति 5 साल तक लापता हो जाता है, वो अकेले ही अपना और अपने बच्चे का देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम आरव होता है और वो उस होटल को खरीदने आया होता है जिसमें वो काम करती है। उसके काम से ज्यादा खुश होकर वो वसुधा को अपने होटल में एक अच्छी नौकरी दे देता है और उसके बेटे को अच्छी देखभाल देता है। थोड़े समय में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं तब वसुधा का पति हरी उसकी जिंदगी में लौट आता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद वसुधा की याद में आरव एक खतरनाक जगह पहुंच जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। फिर वसुधा अपने पति से भी अलग हो जाती है और अलग रहने लगती है। अंत में उसके पति को समझ आ जाता है कि वो आरव से प्यार करती है, इसलिए उसकी मौत के बाद वो उसकी अस्थियां उसी जगह पर डाल आती है जहां आरव की मौत होती है। इस फिल्म में दोनों के बीच एक पवित्र और प्यारी लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की, जो कि अपने सच्चे प्यार पर विश्वास करने से मजबूर थे। इस फिल्म में विद्या बालन, इमरान हाशमी और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में नजर आए थे। आशिकी 2, यह फिल्म एक मशहूर सिंगर राहुल जैकर के बारे में होती है, जिसके किरदार में आदित्य राय कपूर नजर आए थे। वह एक साधारण लड़की से मिलते हैं जिसका नाम आरोही है और वो बहुत अच्छे गाने गाती है। इस लड़की के किरदार में श्रद्धा कपूर देखी गई थी और वह उनकी पहली फिल्म भी थी। राहुल आरोही को सिंगर बनाने का वादा करता है और उसके लिए वह हर कोशिश करता है। धीरे धीरे आरोही बड़ी सिंगर भी बन जाती है, लेकिन राहुल अपना सारा काम छोड़कर नशों में डूबा रहता है। कुछ समय बाद उसको एक भी काम नहीं मिलता और वो नशे की वजह से ही बहुत बुरी हालत में होता है। उसके इस नशे की लत से आरोही और उसके जीवन में भी काफी दिक्कत आने लगती है। वो अपना सारा काम छोड़कर राहुल की देखभाल करने जाती है, लेकिन राहुल नहीं चाहता कि उसकी वजह से आरोही को अपना करियर छोड़ना पड़े, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसकी लत की वजह से किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। यह एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी थी, लेकिन इसका अंत बहुत ट्रेजिक था। इस फिल्म में इस तरह ही बनाया गया था और लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया था। एक विलन, यह फिल्म एक विलन की लव स्टोरी के बारे में। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर मुख्य किरदारों में नजर आए थे। सिद्धार्थ इस फिल्म में एक विलन के किरदार में नजर आते हैं जिसका नाम गुरु होता है। श्रद्धा का साधारण लड़की के किरदार में होती है जिसका नाम आशा होता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक विलन अपने प्यार की वजह से सारे गलत काम छोड़ देता है और दूसरों की जान लेने वाला कैसे दूसरों की जान बचाता है। इस फिल्म में गुरु और आशा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है, जिसके बाद वह सुधर जाता है और गलत काम छोड़कर सही रास्ते पर चलता है। आशा को एक बीमारी होती है और वो मरने वाली होती है, लेकिन गुरु के साथ होने से वह हर बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाती है। वो ठीक होने ही वाली होती है कि लेकिन एक सीरियल किलर उसके घर आकर उसे मार देता है। आशा की अचानक मौत से गुरु पागल सा हो जाता है और वह उस खूनी को ढूंढता है जिसने आशा की जान ली होती है। वह उससे उसकी मौत का बदला लेता है। ऐसी कई फिल्में हैं जिसके निर्देशन मोहित सूरी ने किया है, लेकिन लव स्टोरी फिल्म्स में उनका काम बेहतर तरीके से निखर कर आता है।
यह भी मोहित सूरी द्वारा निर्देशित कुछ बेस्ट फिल्म्स हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज पर। आशिकी 3 फिल्म की रिलीज के लिए भटकैंप को करना होगा थोड़ा इंतजार। आखिर किन वजहों से सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह फिल्म में वरुण धवन को कास्ट किया गया। हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और इस वीडियो में आज हम आशिकी 3 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 1990 में आशिकी फिल्म के ब्लॉकबस्टर गाने और उसकी फ्रेशली जोड़ी की बदौलत भटकैंप ने एक ऐसी फ्रेंचाइजी की शुरुआत करी जिसकी कहानी को इस फिल्म के गानों के बनने के बाद लिखा गया था। वहीं आशिकी फिल्म को एक फ्रेंचाइजी के रूप में बदलते हुए साल 2013 में भटकैंप ने एक बार फिर इसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आशिकी 2 को प्रोड्यूस किया, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। और अपनी पिछली प्रीक्वल फिल्म की तरह आशिकी 2 फिल्म ने भी अपने गानों के बदौलत ब्लॉकबस्टर कमाई करते हुए हिट फिल्मों की कैटेगरी में अपना नाम दर्ज किया था। वहीं अब आने वाले समय में भटकैंप अपने बैनर विशेष फिल्म्स के प्रोडक्शन में इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट आशिकी 3 को बनाने की तैयारी में है। वहीं इस फिल्म को भी आशिकी 2 के डायरेक्टर मोहित सूरी ही डायरेक्ट करेंगे। माना जा रहा है कि आशिकी 3 में आलिया भट्ट और वरुण धवन एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। ऐसे में अगर भटकैंप की पिछली रिलीज फिल्म सड़क 2 पर गौर करें तो ऑडियंस से मिली खराब प्रतिक्रिया के चलते फिलहाल भटकैंप को अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट को रिलीज करने से पहले कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसकी वजह है सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट का कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल होना। बॉलीवुड के जाने माने चहेते स्टार सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत की खबर से पूरा देश सदमे में है। वहीं मुकेश भट्ट का सुशांत की मौत को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की वजह से काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनके इसी रवैये का खामियाजा उनकी पिछली फिल्म सड़क 2 को भुगतना पड़ा था। सुशांत की मौत तो एक महीने बाद हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त टेरर सड़क 2 को दर्शकों ने सिर से नकारते हुए अब तक की सबसे ज्यादा डिसलाइक फिल्म की कैटेगरी में रख दिया था। वहीं हिंदुस्तान की जनता ने इस फिल्म को काफी बुरी रेटिंग और रिव्यूज देते हुए इसके रिलीज को सिरे से नकार दिया था। हालांकि सड़क 2 फिल्म की कहानी में कई सारे लूपहोल्स होने की वजह से फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज भी इस फिल्म को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं मुकेश भट्ट की कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज के चलते इस फिल्म का जो हश्र हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि भटकैंप को अपनी आने वाली कोई भी प्रोडक्शन को रिलीज करने में कुछ समय जरूर लगेगा। वहीं अगर बात करें आशिकी फ्रेंचाइजी की तीसरे फिल्म आशिकी 3 की, तो इतना तो तय है कि इस फिल्म की रिलीज में कोई जल्दबाजी ना करते हुए भटकैंप की प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स काफी सावधानी के साथ इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले मोहित सूरी फिलहाल इस फिल्म की कहानी को लिखने में व्यस्त है। मोहित सूरी का यह मानना है कि आशिकी 3 फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले वो इसकी कहानी और गाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। इस फिल्म की कहानी और गाने इस फिल्म की थीम के मुताबिक क्रिएट करना चाहते हैं, जिस वजह से वह इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन में ज्यादा व्यस्त दिखे गए हैं। वहीं आशिकी 3 फिल्म में आलिया भट्ट और वरुण धवन एक साथ काम करने की खबर भी तेज है। हालांकि इस बात की अनाउंसमेंट ना तो फिल्म के डायरेक्टर से मिली और ना ही प्रोड्यूसर से। वहीं साल 2013 में रिलीज हुई आशिकी 2 के सुपरहिट होने के बाद इसकी तीसरी पार्ट आशिकी 3 से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है। शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि आशिकी 3 में बिन वक्त की जोड़ी
आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक साथ नजर आने वाले हैं। इस पर समय के बीतने के साथ साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ के रिश्ते में खटास आने की वजह से भट्ट कैंप ने फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह वरुण धवन को कास्ट करना ज्यादा बेहतर समझा। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बिगड़ते रिश्ते की वजह से फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की थीम को ध्यान में रखकर एक ऐसी जोड़ी को कास्ट करने का सोचा जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की हो। वहीं उनके इस प्लान के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा से बेटर ऑप्शन उन्हें वरुण धवन ने देखा। यही वजह है कि आशिकी 3 फिल्म में अब आलिया भट्ट अपने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के को-एक्टर वरुण धवन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म की कहानी के साथ आम दर्शकों को आशिकी फ्रेंचाइजी की फिल्मों के गाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहित सूरी अपनी अपकमिंग आशिकी 3 फिल्म से बॉलीवुड में कौन सी नई लव एंथम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अपने गानों से यादगार हुई आशिकी फ्रेंचाइजी की फिल्मों में कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं आशिकी फिल्म पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और इसे जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा बॉलीवुड और सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अनामिका पाल ने लिखी है। मैं फिर मिलूंगी आपके से एक नई कहानी के। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। क्या सिद्धार्थ और आलिया के साथ बन सकी है आशिकी 3? आखिर आशिकी गर्ल अनु अब कहाँ है, किस हाल में है और किस बड़े हादसे ने उनका पूरा जीवन बदल डाला था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, साल 1990 में आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी। ये उस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। उस साल जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अनु अग्रवाल ने अपना डेब्यू इस फिल्म से किया था। पहली फिल्म और इतनी पॉपुलैरिटी, रातों रात स्टार बना दिया था इस फिल्म ने उन्हें। हर जगह उन्हीं के चर्चे हो रहे थे, वहीं उनकी खूबसूरती के भी लोग कायल हो गए थे। हालांकि कुछ ही फिल्मों के बाद अनु एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल डाली। अब एक्ट्रेस ने उसी हादसे को याद करते हुए फिर से एक पोस्ट शेयर किया है। दरअसल अनु अग्रवाल सालों से ही फिल्मों से दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है और फैंस के साथ अपने विचार शेयर करती ही रहती है। अब एक वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों को नई सीख दी है। अनु ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो कहती हैं, मैं एक ऐसे दौर से गुजरी जो बहुत ही कठिन था, ट्रामा था, बीमारी थी, उस वक्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, पर कोई बड़ी बात नहीं है। हर शख्स कभी न कभी उस दौर से गुजरता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अनु आगे कहती है कि मुझे सबसे बड़ी मदद मिली मेडिटेशन से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब कुछ काम नहीं करता तब मेडिटेशन काम करता है। अनु ने खुद को योग से इतना जोड़ लिया कि वो सारी मुश्किलों से बाहर निकल गए, इसीलिए उन्होंने अपने फैंस को योग की सलाह दी। वहीं आपको बता दें, अनु अग्रवाल साल 1999 में एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी जिसके बाद वो कोमा में चली गई। उन्हें एक महीने बाद होश आया, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। करीब 3 साल बाद उनकी याददाश्त वापस लौटी। इस हादसे के कारण उनका पूरा करियर रुक गया था। इतनी मुश्किलों के बाद भी अनु ने हार नहीं मारी। योग का सहारा लेकर उन्होंने खुद को ध्यान रखा और फिर आखिरी बार वो साल 1996 में रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप में नज़र आई थी। अनु ने अपने करियर में सिर्फ 9 फिल्में की, लेकिन आज उनका अपना एक इंस्टीट्यूशन है जहां वो लोगों को योगा सिखाती है। तो उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और अपने फैंस को भी बोला कि आप भी योगा कीजिए। आपको बता दें, आशिकी 3 को लेकर काफ़ी टाइम से चर्चा है। आशिकी 2 तो बहुत ज़्यादा सुपरहिट रही और आशिकी 3 में कहा जा रहा है कि आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट किया जा सकता है क्योंकि इनकी केमिस्ट्री को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। आपको कितना इंतज़ार है आशिकी 3 का? आपके हिसाब से कौन से एक्टर एक्ट्रेस
हो सकता है आशिकी 3 में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। उठाएंगे क्या आने वाला साल जानू बनेगा या फिर आदित्य के लिए आने वाला साल फ्लॉप्स का एक्शन रिप्ले होगा। लंदन ड्रीम से स्टार्ट करने वाले आदित्य का क्या इस साल ड्रीम पूरा होगा। हाय, मेरा नाम है निदा और आज हम बात करेंगे आदित्य रॉय कपूर से जुड़ी उनकी अपकमिंग मूवीज की, क्योंकि ये आज 35 के हो गए हैं। तो अगर आप आदित्य रॉय कपूर के फैन हैं तो आपको विकिपीडिया नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाएगी। मैं सोशल मीडिया पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी ना कहूंगी। तो चलिए आदित्य रॉय कपूर का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। वैसे लूडो सड़क 2 में दिखाई देने वाले आदित्य रॉय कपूर अब किस नेक्स्ट मूवी में दिखाई देंगे। त्योहारों का इतना ज्यादा लोड है आपके ऊपर, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, खुद बताऊंगी। आदित्य रॉय कपूर एक रीमेक मूवी में दिखाई देने वाले हैं, एक्शन रिप्ले, जो कि 2010 में आ चुकी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय के साथ साथ आदित्य रॉय कपूर भी थे। इस फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है और इस फिल्म में फिर से दिखाई देंगे आदित्य रॉय कपूर अपने चार्मिंग लुक्स के साथ। वैसे रीमेक तो हमारी मम्मियां भी बना लेती हैं, रात की बनी हुई डिश सुबह नाश्ते में दे देती हैं परोस के और बन जाता है रीमेक। तो क्या आदित्य रॉय कपूर की ये एक्शन रिप्ले मम्मी की डिश की तरह टेस्टी बनेगी या नेहा कक्कर के गाने की तरह रीमेक बनेगी, ये बात तो आदित्य और उनके डायरेक्टर ही जाने। लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ, वो ये कि सिर्फ इस रीमेक में ही आदित्य रॉय कपूर नहीं दिखाई देंगे, एक और रीमेक आ रही है जिसमें आदित्य रॉय कपूर भी दिखाई देंगे। लेकिन कौन सी है वो मूवी, मैंने कहा ना मैं खुद बताऊंगी। ये है फिल्म एक विलन का रीमेक जो कि बनने जा रही है बहुत ही जल्द मोहित सूरी की डायरेक्शन में, जिसमें फर्स्ट में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख। लेकिन नेक्स्ट मूवी में आदित्य रॉय कपूर को साइन किया गया है और मॉडलिंग, फिल्म्स और डांस में अपनी दिशा खो देने वाली दिशा पटानी भी तारा सितारिया के साथ इस फिल्म में दिखाई देंगी, यानी कि फुल मसाला ड्रामा फिल्म हमें देखने को मिलेगी। वैसे एक जोक मैं मारती हूँ तो कोई दोबारा हंसता नहीं है, तो फिर यार फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स एक ही फिल्म और एक ही प्लॉट को फिर से क्यों घुमाया फिराया करते हैं, ये मुझे जरूर समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आपको समझ में आता है कि ये रीमेक का चक्कर क्यों चल रहा है, या बॉलीवुड ने रीमेक का सहारा क्यों लेना स्टार्ट कर दिया है, या आप बता सकते हैं बॉलीग्राड स्टूडियो के सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। बाकी चलिए चलते हैं इस फिल्म की रिलीज डेट पर। ये फिल्म वो 2021 में रिलीज होने जा रही है। फितूर आशिकी 2 से अपना फितूर फैलाने वाले आदित्य रॉय कपूर क्या इस साल भी फितूर दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे? क्या उनकी फिल्म्स लोगों के दिलों में फिर से जगह बना पाएंगी? क्या उनकी हॉट बॉडी और चार्मिंग फेस लोगों के दिलों में फिर से राज करेंगे? ये आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बता सकते हैं बॉलीग्राड स्टूडियो के, क्योंकि आसपास ना बहुत सारे रिश्तेदार हैं, त्योहारों का वक्त चल रहा है और किसी की बॉडी और किसी के फेस के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। तो बात करते हैं इनकी नेक्स्ट मूवी के बारे में। जैसे एग्जाम में हर बच्चा एग्जाम शीट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखता है, जैसे हर काम शुरू होने से पहले मन में एक बार प्रार्थना करता है, यही नाम है आदित्य रॉय कपूर की नेक्स्ट मूवी का, यानी कि ओम। नाम है ओम तो ये फिल्म बोर कैसे हो सकती है, लेकिन क्या इस मूवी का प्लॉट और फिल्म का सीन्स दर्शकों को पसंद आएंगे, क्या इस फिल्म की स्टोरी लोगों तक पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है, ये मैं आपको जरूर बताई देती हूँ। वैसे क्या इस फिल्म में एक्शन ड्रामा मिलेगा, अगर हाँ तो ये फिल्म इंडिया के लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारी मूवीज में एक्शन ड्रामा रोमांस हो तो लोगों को बहुत भाता है, क्योंकि अगर मोहल्ले में भी लड़ाई हो जाती है तो लोग अपना हर काम छोड़ के उन्हीं के बिजनेस में लग जाते हैं। तो अगर ये फिल्म भी बहुत सारे एडवेंचर्स, ड्रामा और बहुत सारी इधर उधर की बातों से भरपूर होगी तो ये फिल्म लोगों को बहुत भाने वाली है। बाकी जहां इंडियन इकोनॉमी की तरह मेरे आपके सबके फॉलोअर्स नीचे जा रहे हैं, वैसे ही कोरोना केसेस की तरह बॉलीवुड स्टार्स के फॉलोअर्स दिन पर दिन ऊपर चले जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि आदित्य रॉय कपूर ने इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स बना लिए हैं? नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आदित्य रॉय कपूर अपना इंस्टा अकाउंट चलाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि करोड़ों लोगों के दिलों में राज भी तो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रणवीर का दिल आदित्य रॉय कपूर ने एक बार तोड़ा था? नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ, असल में हुआ क्या कि रणवीर एक चैट शो में गए थे जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जब वो कॉलेज डेज में एक लड़की को डेट कर रहे थे, उस लड़की ने उनसे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो आदित्य रॉय कपूर के साथ रहना चाहती थी, और इस बात से रणवीर सिंह का दिल बहुत दुखा था, और ये बात रणवीर सिंह आज भी दोहराते हैं।
इस बात का जवाब दिया है आदित्य रॉय कपूर ने 3 साल बाद, और उन्होंने कहा कि उस लड़की को उन्होंने इनके ब्रेकअप से 8 महीने बाद डेट करना शुरू किया था, यानी कि इन्होंने कोई दिल नहीं दुखाया रणवीर सिंह का। बताओ यार, बॉलीवुड सितारे ना हो गए, कपड़े धोने का वॉशिंग पाउडर हो गए, एक दूसरे को सफाई देते फिर रहे। वैसे अगर नॉर्मल लोग होते ना तो व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया होता, एक दूसरे से कोई बात ना करते और सफाई भी हो जाती। ये थी बातें आदित्य। आपको लव स्टोरीज पसंद है? लव स्टोरी कितनी तरह की हो सकती है? पहले की लव स्टोरी और अब की लव स्टोरी में क्या बदलाव आए हैं? अब की जनरेशन की लव स्टोरी को देखने में क्या नया मिलेगा? आज की फिल्म के सीरीज से लोगों की क्या उम्मीदें हो सकती हैं? आज की 3 में कौन कौन नजर आ सकता है? यह फिल्म कब रिलीज होगी? फिल्म के तीसरे भाग में किस तरह की कहानी देखने को मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका आपका स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में प्रेम कहानी की एक अलग ही पहचान है। सारी फिल्मों से हटकर लव स्टोरीज का एक अच्छा स्तर है जो दूसरे फिल्मों से अलग और बेहतर है। दुनिया में ज्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो प्रेम कहानियों को देखना पसंद करते हैं। प्यार, जुदाई, भावना, लगाव, झगड़े, मिलना, बिछड़ना, रोमांस, लव सॉन्ग्स, लोग हर प्रेम कहानी के हर पहलू को देखना पसंद करते हैं। प्रेम कहानी भी एक तरह की होती है तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए प्रेम कहानी को भी नए तरीके से बताना बहुत जरूरी है। हर बार लोग प्रेम कहानी में कुछ नया और कुछ अलग देखना चाहते हैं, नए किरदार, नई कहानी, नए ट्विस्ट। पहले प्रेम कहानियों में बस एक लड़का लड़की की कहानी होती थी जो एक दूसरे से मिलते थे, प्यार हो जाता था, अंत में वो मिल जाते थे या बिछड़ जाते थे। लेकिन अब की लव स्टोरी में एक साथ कई बातों का ध्यान रखा जाता है। अब की लव स्टोरी हर उम्र के लोगों और हर तरीके की कहानियां बताती है, जो कि पुराने समय के हिसाब से काफी बदलाव आया है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जो कि एक लड़का और लड़की के प्रेम कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम था आशिकी, जिसमें अभिनेता राहुल राय और अभिनेत्री अनु अग्रवाल को देखा गया था। इस फिल्म की अभिनेता एक अनाथ लड़की होती है और अभिनेता एक अच्छे परिवार से होता है, लेकिन अपने पिता से नाराज होता है। जब वो घर छोड़कर जाता है तब उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। आगे की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर वो दोनों अपने करियर में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लड़का गायक बन जाता है और लड़की एक सफल हीरोइन बन जाती है। अंत में वो दोनों एक साथ होते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की कहानी, किरदार, गाने, मिलना बिछड़ना, प्यार, लड़ाई, नाराजगी, संघर्ष, दर्द, जुदाई, हर पहलू को अच्छे से दिखाती है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। और उस समय यह फिल्म कहानी और गानों की वजह से इतनी हिट हुई थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसी फिल्म के हिट होने के काफी समय बाद उसका सीक्वल आया आशिकी 2, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर देखने को मिले थे। यह फिल्म भी एक प्रेम कहानी होती है एक गायक की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो लड़की भी गायिका बनना चाहती है और बहुत अच्छा गाती है। वह लड़का उस लड़की के लिए बहुत मेहनत करता है, उसे ट्रेन करता है और उसे अच्छे मुकाम पर पहुंचा देता है। लड़की बहुत बड़ी गायिका बन जाती है और लड़का धीरे धीरे नशे की लत में चला जाता है और अपना काम छोड़ देता है। लड़की की पहचान वक्त होने के साथ साथ कम होने लगती है और उसे कोई काम भी नहीं मिल पाता। इस दौरान लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। जब वो उसकी ऐसी हालत देखती है तब वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। और जब वो लड़का देखता है कि उसके इस नशे की लत से उस लड़की पर और उसके प्यार पर प्रभाव पड़ रहा है तब वह उस लड़की को बिना बताए आत्महत्या करने की ठान लेता है। आशिकी फिल्म के पहले और दूसरे भाग ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। लोगों को इस फिल्म के गाने और जोड़ी ने काफी प्रभावित किया।
इसलिए आज भी लोगों के मन में इस फिल्म के तीसरे भाग की उम्मीद है और जल्द ही उन्हें ये फिल्म देखने को मिलेगी। इस फिल्म के तीसरे भाग आशिकी 3 के आने का ऐलान किया जा चुका है। इस फिल्म के नाम से तो ये बताना मुश्किल होगा कि फिल्म की प्रेम कहानी किस पर आधारित होने वाली है। इस फिल्म में स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कपूर एंड सन्स में साथ नजर आ चुके सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की जोड़ी होने की उम्मीद की जा रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री ही काफी अच्छी है और दोनों ने डेब्यू भी साथ ही किया था। लेकिन दोस्तों, ये प्रेम कहानी कैसी होने वाली है ये बताना भी मुश्किल है। इस फिल्म के पहले भाग में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी और दूसरे भाग में एक ट्रेजेडी दिखाई गई थी। तो दोस्तों, अब यह देखना होगा कि फिल्म किस तरीके की नई लव स्टोरी हमारे सामने लेकर आती है। इन दोनों फिल्मों के गाने और संगीत पर काफी फोकस किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का भी संगीत काफी अच्छा हो सकता है, जिसके लिए म्यूजिक कंपोजर और गायक की पुष्टि हो चुकी है। अभी फिल्म से जुड़ी दूसरी जानकारी से पर्दा उठना बाकी है। इस फिल्म के रिलीज होने का ऐलान जल्द ही हो सकता है। ये फिल्म जल्द ही लोगों को देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप आशिकी 3 में वापस श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर को देखना चाहते हैं या आप सिद्धार्थ और आलिया भट्ट की जोड़ी को एक चांस देना चाहेंगे। मिलते हैं जल्दी बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो के साथ। तुमसे मिलने आई अफसोस करने इतनी हेल्प की मेरी मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा वच और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर और ये कहानी होगी एक फिल्म की अल्टरनेटिव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी फिल्म देखने जाते हैं तो हम अक्सर एक अजम्पशन लगा लेते हैं दिमाग में कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता और अगर वो नहीं हुआ होता तो क्या होता। अक्सर हम देखते हैं कि किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो किसी फिल्म की एंडिंग जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी होती है। वेल, आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी एंडिंग ने तमाम दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। हम बात कर रहे हैं आशिकी 2 की एंडिंग के बारे में और यहां हम आपको बताएंगे कि अगर राहुल के किरदार ने सुसाइड नहीं किया होता तो आशिकी 2 की कहानी का अंत कैसे होता। आप बने रहिए इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ। दर्शक होने के नाते हम अक्सर ये सोचते हैं कि शुरुआत में चाहे जितना भी सस्पेंस क्रिएट हो जाए लेकिन फिल्म की एंडिंग तो हैप्पी होनी चाहिए और लास्ट में सब अच्छा अच्छा हो जाए, लेकिन हमें अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि फिल्म की एंडिंग ऐसी हो जाती है जो हमने सोचा भी नहीं था और हमारी कल्पना से तो बहुत दूर की बात थी। वेल, आशिकी 2 की कहानी जितनी खूबसूरत थी उसकी एंडिंग ने दर्शकों को उतना ही निराश कर दिया। राहुल ने जब सुसाइड की तो कहीं ना कहीं हम सभी इस बात से अग्री करेंगे कि हम सभी का दिल टूट गया क्योंकि हमने कुछ और सोचा था और हो कुछ और गया। यूं तो आशिकी 2 2013 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक आकांक्षा थी कि लास्ट में आरोही और राहुल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। तो चलिए आज हम बात करते हैं आशिकी 2 के एक अल्टरनेटिव स्टोरी के बारे में और यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि अगर आशिकी 2 में राहुल के किरदार की मौत नहीं हुई होती तो उसकी एंडिंग कैसे होती। Well, इससे पहले कि हम आशिकी 2 की अल्टरनेटिव स्टोरी की तरफ आगे बढ़े, हम आशिकी 2 की मुख्य कहानी पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, आदित्य रॉय कपूर ने निभाया था राहुल का किरदार और श्रद्धा कपूर ने निभाया था आरोही शिर्के का किरदार। राहुल जो कि एक सक्सेसफुल सिंगर था और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी असल जिंदगी से खुश नहीं था
और शराब की लत में डूबा रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही को भी गाने का बहुत शौक था और वो अक्सर क्लब में और बार में गाया करती थी। राहुल एक दिन गोवा जाता है जहां उसे एक कॉन्सर्ट अटेंड करना होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है आरोही से। आरोही जो कि एक बार में राहुल के द्वारा ही गाया हुआ गाना गा रही होती हैं और वो सुनकर राहुल उनके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं और उसी वक्त ये डिसाइड कर लेते हैं कि आरोही को वो एक सिंगर बनाते रहेंगे और फिर शुरू होती है इन दोनों की एक खूबसूरत लव स्टोरी। राहुल अपने अंकल से बात करके आरोही को एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ब्रेक दिलाते हैं और इस म्यूजिकल ब्रेक के थ्रू ही आरोही एक बहुत सक्सेसफुल सिंगर बन जाती हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को नशे की लत में डूबा देख आरोही थोड़ी सी परेशान भी रहती है। आरोही अक्सर यह कहती हुई पाई जाती है कि मैं राहुल के लिए अपना करियर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राहुल की नाकामयाबी और आरोही की कामयाबी को लोग कंपेयर करने लगते हैं और ये बात राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद राहुल आरोही से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि आरोही जो है ना वो राहुल से बहुत प्यार करती है और इसी प्यार की वजह से राहुल उससे दूर नहीं हो पाता। राहुल बहुत ट्राई करता है लेकिन इसके बाद भी वो आरोही से दूर नहीं रह पाता क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राहुल आरोही से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। जी हाँ, राहुल सुसाइड कर लेता है और इसके बाद वो और आरोही हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वेल, इस बात से सभी अग्री करेंगे कि हमने ये एंडिंग तो बिल्कुल नहीं सोची थी, हमने कुछ और सोचा था। और अल्टरनेटिव स्टोरी जो है वो मैं अब आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आरोही और राहुल भले ही बहुत लड़ते झगड़ते थे लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे और आरोही राहुल की बात हमेशा मानती थी तो राहुल भी आरोही की बात हमेशा मानता था। तो क्या होता अगर राहुल को आरोही रिहैबिलिटेट सेंटर लेके जाती जहां पर उसकी शराब की लत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वेल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि राहुल जो है बहुत सक्सेसफुल सिंगर हुआ करता था और उसका करियर केवल नशे के वजह से डूबा। अदरवाइज उसकी वॉइस बहुत प्यारी थी और इस बात को म्यूजिक इंडस्ट्री भी जानती थी। लेकिन एक चीज थी, वो है शराब की लत, जिसके वजह से वो हर बीतते दिन के साथ कमजोर होता चला गया। तो रिहैबिलिटेट सेंटर में राहुल जाता और वहां से बिल्कुल ठीक होकर वापस लौटता। और राहुल को वापस लौटता हुआ देख आरोही उसे एक म्यूजिकल ब्रेक दिलाती जहां वो दोबारा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता और दोनों ही अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाते। इसके बाद हमें देखने को मिलता एक ऐसा प्रपोजल जिसका मुझे तो बहुत इंतजार था और 110% हमारे दर्शकों को भी होगा। वो था जब राहुल आरोही को शादी के लिए प्रपोज करता। वेल, ऐसा हुआ नहीं लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि रिहैबिलिटेट सेंटर से वापस लौटकर राहुल आरोही के लिए अपने द्वारा बनाया हुआ गाना गाता और उसे शादी के लिए पूछता, जिसका ऑब्वियसली आरोही जवाब देती यस, और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती। शादी बॉलीवुड में इस तरीके से दिखाई जाती है ना कि आम दर्शकों में भी ना शादी करने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, तो वो देखना बहुत खूबसूरत होता कि दोनों की शादी कैसे हो रही होती है। और इसके बाद हम दोनों की बायोग्राफी को बड़े पर्दे पर देखते। फिल्म के डायरेक्टर द्वारा उन्हें अप्रोच किया जाता कि उनकी लव स्टोरी को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं ताकि आजकल के युवा जो प्यार में पढ़कर अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं
वो उनकी इस खूबसूरत लव स्टोरी से कुछ सीखें और रिलेशनशिप हो या मैरिज लाइफ हो, इसको लेकर ना थोड़े से मैच्योर हैं। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है। एक और बात ये भी है दोस्तों कि इस फिल्म में राहुल के कैरेक्टर को थोड़ा सा इमेच्योर पेश किया गया है, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि आरोही जितनी सक्सेसफुल भी होती है उसका कुछ श्रेय तो राहुल को भी जाता है। लेकिन जब राहुल और आरोही का कंपैरिजन हो रहा होता है तो इस बात को राहुल सह नहीं पाता। अगर उसका कैरेक्टर थोड़ा सा मेच्योर होता तो वो इस बात से बहुत खुश होता कि उसकी गर्लफ्रेंड म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रही है, और उसे नाराज होने का या फिर जेलस फील करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो स्टोरी लाइन ये भी हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं, दोनों की लव स्टोरी को जब बड़े पर्दे पर पेश किया जाता तो उससे करोड़ों युवाओं को काफी प्रेरणा मिलती कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप ऐसे ऐसे निभाया जाता है। और फिल्म की एंडिंग कुछ ऐसी होती कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते और एक दूसरे के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी भी गुजार देते। वेल, मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी अल्टरनेटिव स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी थोड़ी सी चीजी जरूर है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी आशिकी 2 से, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत लव स्टोरी थी जिसमें दोनों को एक साथ होना चाहिए था, ना कि अलग अलग। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपर्णा वत्स देती हूँ आपसे इजाजत। बॉलीवुड की और भी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल बॉलीग्रिड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।